वाइड रेंज ऑफ नॉलेज को आपने अगर नहीं लिया, आप क्वेश्चन नहीं उठ रहा है, आप उसको ग्राफ कैसे करोगे? पीपल इस फील्ड में इसलिए आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत पैसा है। हमारे यहाँ पे कॉफी शॉप प्रैक्टिस वो करते थे। हम प्रेशर की बात तो कर रहे हैं, पर हम प्रेशर किस प्रेशर की बात कर रहे हैं? एग्जामिनेशंस एंड मिड टर्म्स प्रोजेक्ट्स, राइट? वाइवास, ओके गुड, बट दिस इज द प्रेशर विच इज कॉमन टू ऑल ऑफ यू। ये तो एक लेयर ऑफ प्रेशर हो गया। व्हाट अबाउट द सेकंड लेयर ऑफ प्रेशर विच इज फेल्ट बाय द पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग द सेम काइंड ऑफ प्लेस? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस अनदर एपिसोड ऑफ द DNLU पॉडकास्ट। माय नेम इज माधव सोनी, AKA मैड वेरिस्टर, एंड टुडे वी हैव मिस्टर आशित श्रीवास्तव सर विथ अस। हेलो सर, वेलकम ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच माधव सोनी एट द रेट मैड वेरिस्टर। यस सर, कैसा लग रहा है आपको पॉडकास्ट पर आके? आई मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश करूँगा इसको बायलिंगुअल रखने की, दो माय हिंदी इज लिटिल नॉट वेयर, इट्स अ लिटिल रफ, तो पॉसिबली मेरी थर्ड लैंग्वेज निकल के आएगी, तो बेयर विद मी फॉर दैट। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आई रियली अप्रिशिएट द होल टीम हु इज वर्किंग बिहाइंड द कैमराज एंड ऑन द कैमरा ऑल्सो, कि दिस विल इंश्योर कि आर रीच इंक्रीजेस अलॉट। सो या थैंक यू सो मच सर। माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एज द लॉ प्रोफेशन इज ओपन टू ऑल, कोई भी कर सकता है सर BLLB का, और अदर किसी भी वो स्ट्रीम से हो, ह्यूमैनिटीज से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो। सो सर माई वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी एन आइडियल अप्रोच टू स्टडी द लॉ सब्जेक्ट्स, क्योंकि सर पहले कभी किसी ने पढ़े नहीं होते हैं एंड दे आर वेरी न्यू सब्जेक्ट्स फॉर देम, तो सर आइडियल अप्रोच होना क्या चाहिए? वेरी गुड, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बिकॉज आई थिंक अदर टाइम जब हम लॉ स्कूल में घुसते हैं उसके बाद पढ़ते रहते हैं और अभी भी पढ़ ही रहे हैं, इसलिए सर आई थिंक मेडिकल का प्रोफेशन ऐसा है और लॉ का प्रोफेशन ऐसा है जहाँ पे हम देखते हैं कि पढ़ाई रुकती नहीं है, और अगर आपने पढ़ना छोड़ भी दिया एक महीने भी तो आप अप टू डेट नहीं हो पाओगे। कीपिंग दिस ऑल इन माइंड, आई थिंक हमारा जितना सब्जेक्ट है, एटलीस्ट माई सब्जेक्ट, आई टीच कॉन्स्टिट्यूशन, मैं संविधान पढ़ाता हूँ यहाँ पे, मुझे लगता है ये सारा खेल आर्गूमेंट्स का है। हमारे आर्गूमेंट जितने रिफाइन होंगे, जितने बारीक होंगे, हम उतने अच्छे लॉयर बन सकते हैं, और आई थिंक ये बारीकनेस का कॉन्सेप्ट ये प्रैक्टिस से आ पाता है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्पेशली आर यूनिवर्सिटी ये आइडिया को पुश करती है कि वी एम्फेसाइज अपॉन ओरेशन स्किल एज वेल एज ऑन द आइडिया कि हमारे आर्गूमेंट्स कितने बारीक हो सकते हैं। तो आई थिंक अगर आपको लॉ की अप्रोच समझनी है पढ़ने की, तो बेस्ट वे इज टू रिफाइन योर सेल्फ थ्रू स्पीकिंग, डिस्कसिंग एंड डिबेटिंग। तो इट्स मोर ऑन द बुक एज वेल एज ऑफ द बुक, तो जितना आप बुक में पढ़ रहे हैं, जब तक आपने इसको डिस्कस नहीं किया, आर्ग्यू नहीं किया, डिफेंड नहीं किया, तब तक आपको लॉ को पढ़ना फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे यहाँ पर एक पहली कहावत हुआ करती थी जो हमारे इन द ओल्ड डेज इन लखनऊ इन अलाहाबाद, द आइडिया वॉज दैट हमारे यहाँ पर कॉफ़ी शॉप प्रैक्टिस हुआ करती थी। कॉफ़ी शॉप प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट सिंपल हुआ करता था कि लॉयर्स सुबह प्रैक्टिस करते थे और शाम को कॉफ़ी शॉप में बैठा करते थे। जितनी इनकी पढ़ाई ड्यूरिंग ग्रेजुएशन नहीं हुई, उनकी उतनी अच्छी बारीकी वो कॉफ़ी शॉप में हो गई थी, बिकॉज आप जब डिस्कस कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो, तो आपके आर्गूमेंट्स बारीक होते जा रहे हैं, और वो बारीकी आपको एक अच्छा लॉयर बनाती है। तो आई थिंक आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप जो भी पढ़ो, आप इसको एक बार मार्केट में टेस्ट करो, और मार्केट आपका पीयर है, डिस्कस करो। यस सर, स्मेल ये प्रोफेशन ही सर ऐसा है कि इसमें लर्निंग स्टॉप नहीं होती है, कभी भी आप प्रोफेशन में एंटर करने के बाद भी लर्निंग आपकी कंटिन्यू ही रहती है। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी, नॉट स्पेसिफिकली लाइब्रेरी बट द रीडिंग रूम, जो एटमोसफेयर वहाँ मिलता है वो आपको अपने रूम में बैठ के पाता है। तो सर इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? आप इंकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को रीडिंग रूम में बैठ के पढ़ें रादर देन रूम में बैठ के अपने? राइट, ये इसमें एक इंडिविजुअल आंसर देना सही बात नहीं रहेगी। मेरे ऐसे कई दोस्त हैं जो आज लाइफ में अच्छा कर रहे हैं और वो लाइब्रेरी गोवर्स नहीं थे। लाइब्रेरी गोवर्स का कॉन्सेप्ट सिंपल से रहता है कि एक माहौल बनता है और हम कोशिश करते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन हम वो माहौल बना सके, बट इस नॉट लाइक आप लाइब्रेरी नहीं गए तो आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं या फिर आप अच्छे एक लॉ के वक्ता नहीं हैं। होल सिनेरियो इज़ कि आपको वो एम्बियंस, वो पीस कहाँ मिल रहा है, और शायद कुछ लोगों को पीस वहाँ मिलता है, कुछ लोगों को शायद अच्छा लगता है कि मैं लाइब्रेरी बैठूँगा तो लोग देखेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, क्या रहे चार लोग देख रहे तो हाँ आई नो इट्स अ सेल्फ एश्योरेंस कि मैं पढ़ रहा हूँ और चार लोगों की नज़रें बता रही हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ, शायद वो एश्योरेंस आपको रूम में ना मिल पाए। बट फिर वही क्वेश्चन है, आप अपने आपका पीस कहाँ मिल रहा है आपको पढ़ने का, है ना? शायद आपका पीस आपको सुबह 3 बजे मिलता हो, 4 बजे मिलता हो,
दोपहर में नहीं मिलता हो, कुछ लोग रात में पढ़ने वाले, कुछ दिन में पढ़ते हैं, कुछ लोग को शायद एक बंद कमरा पसंद है पढ़ने के लिए, कुछ लोग को एक बड़े लाइब्रेरी पसंद है पढ़ने के लिए। आप वो पीस कार्ड ढूंढते हो, वो ज़रूरी है। मैं लाइब्रेरी के अहमियत, लाइब्रेरी की वैल्यू को डिमीन नहीं कर रहा। लाइब्रेरी इज़ रिक्वायर्ड टू इंश्योर कि वहाँ पे डिस्कोर्स हो सके, आप जाके और वैरायटी ऑफ आइडियाज़ को हैंडल कर सकें। बिकॉज सर, लाइब्रेरी इज़ अ प्लेस जहाँ पे आपको वाइड रेंज ऑफ नॉलेज मिलेगा। वाइड रेंज ऑफ नॉलेज को आपने अगर ले लिया, आप क्वेश्चन ये उठ रहा है, आप उसको ग्रास्प कैसे करोगे? शायद ग्रास्पिंग आपकी लाइब्रेरी स्पेस में ना आ पाए, आपके कमरे में आ पाए। पर फिर वही है, ये इट्स ऑल अ क्वेश्चन कि वेयर डू यू फाइंड योर पीस। ये सर, पीस इज रिक्वायर्ड टू स्टडी। बट सर, अनदर पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करते हैं कि विलिंगनेस, हम चाहते तो है पढ़ना, बट जो रूम में बैठ के डिस्टर्बेंस होता है, सो लाइब्रेरी में वो चीज़ कम होती है। वेरी गुड, इन माय ओपिनियन है। हाँ, यू राइट, यू राइट। सी, आप जब कह रहे हो, अच्छा लाइब्रेरी में क्या लोग नहीं आते? मैं ऐसे आते हैं सर। डिस्टर्बेंस की पॉसिबिलिटी वहाँ है कि नहीं है? बट सर, वहाँ पे मेन रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप बस नहीं कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरा कहने का आशय सिंपल सा ये है कि अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो या रूम पर बैठे हो, आप पढ़ोगे उसी समय जब आप पढ़ना चाहते हो। और ये मूलतः सच है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम इस समय बैठ कर भी पढ़ो। लाइब्रेरी गोइंग इज अ गुड हैबिट बिकॉज यू गेट एक्सेस टू अ वाइड रेंज ऑफ नॉलेज। बट उस नॉलेज को मैं कब ग्रास्प करूँगा डिपेंड करेगा कि मैं मुझे शांति कब मिलेगी। मैं लाइब्रेरी में बैठा हो सकता हूँ, मैं दिन भर लाइब्रेरी में बैठ सकता हूँ, शायद मैं फ़ोन चला रहा हूँ पॉसिबली, जो कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है अपने लॉन्ग करियर टेन्योर में टाइप तक, जहाँ बच्चे लाइब्रेरी में बैठ तो रहे पर एक्सेस कर रहे हैं वहाँ का वाईफाई। सो द रियल क्वेश्चन इज, आपको पीस कब मिलना और आप पढ़ना कब चाह रहे हो, ग्रास्प करना कब शुरू कर रहे हो। तो That can happen anywhere, I feel. There have been, मेरे कुछ lectures ऐसे हुआ करते थे कि मुझे शहर के बाहर जाना पड़ता था। मैं ट्रेन में बैठ के थर्ड ए सी में सबसे ऊपर वाली सीट पर बैठ के पढ़ता था। अब वहाँ तो ट्रेन चल रही, आवाज़ आ रही है, बट वो पीस मिलना है मुझे। तो आई थिंक दिस मोर अबाउट द पीस विच यू वॉन्ट टू हैव। सर, हमने आइडियल अप्रोच की बात की कि कितने लॉ सब्जेक्ट के लिए एक नई अप्रोच हो सकता है पढ़ने का। सर, फर्दर मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग बैरेट्स, क्योंकि किसी भी लॉ सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आई थिंक मेरे ओपिनियन में कि बैरेट्स को पहले पढ़ना चाहिए ना कि रेफरेंस बुक्स को। तो सर, आपके क्या थाट्स है कि पहले बैरेट्स पढ़नी चाहिए या फिर किसी अदर रेफरेंस बुक या कॉमेंट्रीज पढ़नी चाहिए, या कि कोई और तरीका भी है पढ़ने का, स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? बहुत अच्छा। तो इस पर दो विचारधारा है। पहली विचारधारा तो यही है कि अगर मैं बैरेट पर डिपेंडेंट रहता हूँ अपने इंटरप्रिटेशन के लिए, लॉ की विधि के लिए, तो कहीं ना कहीं मैं एक फ्री बर्ड हूँ कि मैंने जैसे पढ़ा, जो मैंने इंटरप्रिटेट किया वो अथॉरिटी होगा। फिर जब आप रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, मैं ये नहीं कह रहा रेफरेंस बुक अच्छी नहीं होती, पर रेफरेंस बुक्स आर मोस्टली अ नैरेटिव कि उस ऑथर को क्या लगता है, इसमें क्या हो, है ना। अच्छा, आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरह जजमेंट हो चुके हैं, हाई कोर्ट की तरह जजमेंट हो चुके हैं, आप टीपी पढ़ चुके हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, क्रिमिनल लॉ पढ़ चुके हैं, तो आपको ये रियलाइज़ होता है कि हम सुप्रीम कोर्ट को मेन अथॉरिटी मानते हैं और वहाँ पर फाइनल करना चाहते हैं। रेफरेंस बुक का महत्व यहाँ तक है कि रेफरेंस बुक आपको अप टू डेट नॉलेज देगा। हम उसके बाद अगर आप उसमें कुछ नया ऐड करना चाहते हो, वो आपका खुद का इंटरप्रिटेशन होगा, वो आपको बैरेट की सेम प्लेन रीडिंग से ही आ पाएगा। तो रेफरेंस बुक का जो महत्व है, जो मुझे लगता है, जो मैं जब पढ़ाता हूँ, ये आपको अप टू डेट लगता है। बिकॉज इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल कि आप जब लॉ की फील्ड में घुसे हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ का फील्ड हो, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का फील्ड हो, टीपी हो, 70-80 साल का जुरिसप्रूडेंस ऑलरेडी जा चुका है। आप जब फील्ड में घुसते हो, इट्स ऑलरेडी 70-80 ईयर्स ऑफ जुरिसप्रूडेंस ऑल टुगेदर। तो आप ये सोचो कि यार मैं काम करता हूँ, मैं बैरेट से पढ़ लेता हूँ, एक तो जजमेंट देख लूँगा, काम हो जाएगा। पर एक तो जजमेंट में आपने उस सब्जेक्ट का एसेंस नहीं पकड़ पाया ना, और 80 साल के जुड़े स्टूडेंट्स हैं, अब करोगे कैसे? तो वहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस बुक की। अथॉरिटी कौन है उस फील्ड के, उसकी किसकी बुक लिखी गई है, उस बुक से आप अप टू डेट होते हो कि हाँ ये परफेक्ट नॉलेज है अब तक की, ठीक है, यहाँ पर उसका काम खत्म होता है। आप इसमें क्या नया ऐड कर सकते हैं, वहाँ पे बैरेट का काम आता है और वहाँ आपका इंटरप्रिटेशन काम आता है। तो हमारे यहाँ पर मुझे बहुत बड़ी दिक्कत ये लगती है, जो हमारे लॉ स्टूडेंट्स में ये अभी दिक्कत है, स्पेशली ये मैं देख रहा हूँ, एक ये अब नॉर्थ साइड एंड साउथ साइड आई थिंक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। हम लोग कहीं ना कहीं नॉलेज कंज्यूमर बन के रह गए। नॉलेज कंज्यूमर का मतलब का आशय ये है कि हम रेफरेंस बुक को पढ़ते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, और आप वो नरेटिव आए हम लिख के आ जाएंगे। हमें नॉलेज प्रोड्यूसर बनना है। जैसे आपका चैनल है, आप प्रोड्यूस कर रहे हो,
वैसे हमें नॉलेज को क्रिएट करना है. नॉलेज क्रिएट तभी हो पाएगी जब हम बैरेट की प्लेन रीडिंग में कुछ नया इंटरप्रिटेशन ऐड कर पाएंगे, है ना. तो अप टू डेट कर लो रेफरेंस बुक से, पर जब कुछ नया ऐड करना होगा तो रेफरेंस बुक काम नहीं आ पाएगी, बिकॉज रेफरेंस बुक आपको बांध देगी, रोकेगी कि देखो इतना तक है, इसके आगे नहीं, उसके आगे योर इंटरप्रिटेशन योर बैरेट. यस सर, आपने इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि रेफरेंस बुक का क्या इम्पोर्टेंस है. माई फर्दर क्वेश्चन इज दैट हाउ टू रीड दीज बल्कि रेफरेंस बुक्स रिस्पेक्टिव ऑफ लॉ सब्जेक्ट्स. सारे सब्जेक्ट्स की जो रेफरेंस बुक होती है काफ़ी मोटी मोटी होती है. तो सर हमें फर्स्ट पेज से एट द एंड लास्ट पेज तक पढ़ना चाहिए जो रिलेवेंट प्रोविजन है, या वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं रिलेवेंट प्रोविजन हुआ. ये क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही आदमी से पूछा, वो टीचेस कॉन्स्टिट्यूशन. यस या हमारे पास टी डी बसु 11 वॉल्यूम में है, एच एम सिरवाई सर इज देयर इन 3 वॉल्यूम सेट, एम पी जैन सर की वॉल्यूम हर साल रिवाइज होती है ऑलमोस्ट, वी एन शुक्ला सर की बुक भी अच्छी खासी है बल्कि है वो भी हर साल रिवाइज, नया उसका नया एडिशन आता रहता है. तो हमें ये पता है कि बुक इससे सब बल्कि बुक टू रीड, बट मैं कहूँगा कहीं ना कहीं इसमें एक सब्जेक्ट वाइज आपका अप्रोच बदलता रहेगा. अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूँ जो कि सबसे बल्कि सब्जेक्ट होगा, इफ़ आई गो टू एनी सब्जेक्ट आई कैन नॉट, ये आप डिनाई नहीं कर सकते, सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा राइट. तो आप इसका अप्रोच ऐसा होगा अगर पढ़ना चाहते हैं सही में, और ये एक सेमेस्टर दो सेमेस्टर की चीज़ नहीं है. आई बीन सेइंग दिस ऑल्सो अर्लियर ऑल्सो, मैं पहले भी बात कहते आ रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए 3 सेमेस्टर कम पढ़ रहे हैं. हम दो में पढ़ाते हैं, हर जगह दो में पढ़ाया जाता है, पर इसके लिए 3 सेमेस्टर कम है, 4 सेमेस्टर कम है. और क्यों? क्योंकि आप हर एक टॉपिक को जब पढ़ना शुरू करते हो तो लगता है कि हर टॉपिक पर आपका 15-20 दिन जाएगा. तो अगर आपका अप्रोच है कि आप संविधान को ग्रास्प करना चाहते हो, और फिर यही बात है ना कि आप किस सब्जेक्ट में अपनी अथॉरिटी बनाना चाहते हो, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ कि आप किस सब्जेक्ट में अथॉरिटी बनाना चाहते हो, ये पहला सवाल आपने आपसे पूछिए. आपको लगता है कि मैं संविधान में बनना चाहता हूँ, क्रिमिनल लॉ में बनना चाहता हूँ, टीपी में बनना चाहता हूँ, सिविल मैटर्स को हैंडल करना चाहता हूँ, तो आपके कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिस पर आप अथॉरिटी बनना चाहते हो. ये भारतवर्ष का सच है कि नॉट एवरी लॉयर इज़ अ मास्टर इन ऑल द ट्रेड्स ऑल टुगेदर. हाँ हम कहते हैं कि हाँ अंधेरा ये बहुत अच्छा लॉयर है, ये तो सब केसेस लड़ लेता है, पर हर वकील हर फील्ड में अच्छा नहीं होता. वो भी बोलता कि यार ये मेरी ज़्यादा प्रेफरेंस है. मजबूरी क्यों है? 80-90 साल का जूरिस्प्रूडेंस, वो नामुमकिन है कि आप वो 80-90 साल का जूरिस्प्रूडेंस अपने एक दिमाग में बैठा के चल, है ना. इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको एक एरिया पसंद है तो आप अपना सेमेस्टर मॉड्यूल फॉलो करते रहें, बस वो एक सब्जेक्ट को अलग से टाइम देना पड़ेगा. एक टॉपिक का डे, वन टॉपिक 10 डेज, ताकि आपके साथ 5 साल खत्म हो तो आप उस फील्ड में आप अथॉरिटी बचो. दैट इज द ओनली अप्रोच आई कैन सजेस्ट सर. लाइक फॉर इंस्टेंस अगर हम किडनैपिंग के बारे में पढ़ना चाहते हैं, अच्छा अच्छा, और पी एस ए पिल्ली बुक है, आई वॉज नॉट अवेयर कि ड्यूरिंग माई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर वो लॉकडाउन में निकल गया, मे बी दैट्स वाई, बट कि एक इंडेक्स पीछे भी होता है तो सर और भी कोई इस तरह की टेक्निक्स होती हैं या जो वेज होते हैं, मीडियम होते हैं जिनके थ्रू हम पहुँच सकते हैं अपने रिलेवेंट टॉपिक तक? इंडेक्स इज वन वे ऑफ डूइंग दिस, इंडेक्स इज वन वे ऑफ डूइंग इट. देन यू ऑल्सो हैव, आई थिंक इंडेक्स इज द ओनली वे ऑफ डूइंग दिस एक्चुअली. If I go by that interpretation, index is the only way of doing this. कि आप index देख के वहाँ topic पढ़ना शुरू करो, that's the only way possible. हाँ एक short mechanism जो मैं अपनाता हूँ वो मैं ये है कि मैं हमेशा जैसे कुछ पढ़ना किसी topic के बारे में, मैं उस topic के बारे में उसके बारे में जो सबसे famous case से वो उठाता हूँ, उसके बाद जो सबसे contemporary case से वो उठाता हूँ. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि मैं कंटेम्प्रेरी भी पकड़ हो गई कि अभी कोर्ट ने ये बोला था इस मामले में, प्लस उसमें अथॉरिटी क्या है उसके बारे में क्या था. पर मेरे लिए ये कोशिश करना कि मैं सारे केसेस जान पाऊँ उस पर्टिकुलर टॉपिक में जो अब तक हुए हैं, वो मेरे लिए भी नामुमकिन है. तो आई थिंक ये अप्रोच शायद एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन हो सकता है कि जो सबसे फेमस केस है और जो कंटेम्प्रेरी केस है वो पकड़ के चलो. सर आपने केस लॉस की बात करी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कम्स इन माय माइंड दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग केस लॉस एंड हाउ वी कैन रीड नोज बल्कि जजमेंट. वेरी गुड. स्टार्टिंग से लेकर आखिरी तक पढ़ना होता है या पहले एंड का पढ़ना होता है, या स्टार्टिंग में जो शॉर्ट नोट दिया होता है वो पहले पढ़ना? वेरी गुड. एज मैनी फ्रेशी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस, तो उन्हें नहीं पता होता है 1000 पेज का जजमेंट कैसे पढ़े. सबसे पहला क्वेश्चन के मन में यही आ रहा है 1000 तो बहुत कम पन्ने हैं. मैं कह रहा हूँ आपने सही आदमी बुलाया है इस क्वेश्चन के लिए.
अगेन टीचिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ यू हैव टू मेक अ फ्रेंड्स विद लॉन्गर जजमेंट्स. ये हमारी खुश नसीबी भी है और हमारी ऐसा बैड लक ऑल्सो नॉट बैड लक बट हाँ बिकॉज वी कैन प्रॉडली से कि हम लोग एक बुक हर रात को पढ़ते हैं बिकॉज इज 1000 पेजेस जजमेंट्स इज इक्वल टू अ बुक. आई कैन से दैट राइट. जजमेंट रेटिंग अपने आप एक बहुत बड़ा एक आर्ट है और ये बहुत सालों बाद आता है. अच्छा ये सोचते हैं कि हम रेशियो ढूंढ लेते हैं, हम ऑर्बिटर ढूंढ लेते हैं, खत्म करते हैं मैटर को, आगे बढ़ते हैं. हम समरी पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं. समरी क्या, चलो एक काम करते हैं, हर जजमेंट पे कहीं ना कहीं एक केस कमेंट्री होगी जो गूगल पर मिल जाती है, वो पढ़ के काम निपटाते हैं. पर फिर हम एक चीज़ को डिफीट कर देते हैं. हमने भी अभी इस सेशन की स्टार्टिंग में एक बात की थी रिगार्डिंग लॉ सूट्स का फ़ायदा क्या होता है कि फाइनर आर्गूमेंट, द मोर फाइन ट्यून योर आर्गूमेंट्स आर, द मोर पेनिट्रेटिंग यू फाइन एंड फाइन ट्यून योर आर्गूमेंट्स आर, द बेटर द लॉयर यू आर. एंड दिस इज द रीजन दैट यू सी दैट मोस्ट सीनियर एडवोकेट्स, चाहे वो श्री कपिल सिब्बल हो या फिर लेट श्री शांति भूषण हो, लाइक वो दे आर वेरी रिस्पेक्टेबल एक्चुअली एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट. हम देखते हैं कि दे चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, लाइक पीपल इस फील्ड में इसलिए आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत पैसा है और द एडवोकेट्स आर अर्निंग पर हियरिंग. पर हमें उनके पीछे की मेहनत नहीं दिख रही और वो मेहनत वो फाइन ट्यूनिंग ऑफ आर्गूमेंट्स आ रही है. अगर मैं संविधान या किसी भी लॉ को ट्रिम डाउन करूं कि हाँ मैं रिड्यूस करता हूं कि उसमें इसके पीछे है क्या, एक जज के सामने जब एडवोकेट खड़ा हुआ उसने बोला क्या, पैसे उसी बात तो मिल है ना, आप उसमें खड़े थे आपने वहाँ क्या बोला और आपका आर्गूमेंट कितना पेनिट्रेटिव था, आपने ऐसा क्या देख लिया उस सिर्फ ब्लैक एंड वाइट शब्दों में जो हम लोग नहीं देख पाए और वो इतना पेनिट्रेटिव था कि ना. बिकॉज एक लॉयर इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोशल कॉन्टेक्स्ट, वो कहीं ना कहीं सामाजिक संदर्भ का एक प्रतिबिंब भी होता है, वो दिखाता है कि समाज में कैसा व्यवहार है, मैं उसको फिर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. और जब मैं अपने आर्गूमेंट्स बनाता हूँ तो मैं सामाजिक व्यवहार को भी ध्यान में रखता हूँ, मैं लॉ की इंट्रिकेसी को भी ध्यान में रखता हूँ और फिर मैं चाहता हूँ कि लॉ में प्रोग्रेस भी हो. इन सबको मैं ध्यान में रखते हुए अपना आर्गूमेंट मेक करता हूँ. तो जब मैं आई एम स्टैंडिंग बिफोर माय लॉर्ड्स, द क्वेश्चन इज हाउ पेनिट्रेटिव माय आर्गूमेंट वाज कि वो उनको टच करे, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट. तो कहीं ना कहीं अब ये जो स्किल है कि टू मेक आर्गूमेंट्स विच आर सो पेनिट्रेटिव इन नेचर कि विच आर एबल टू टच, दिस विल नॉट ओनली कम फ्रॉम द सोशल कॉन्टेक्स्ट. ये ऐसा नहीं है, बहुत लॉयर ऐसे होते हैं जो सामाजिक रूप से बहुत अच्छे होते हैं कि जब वो बोलते हैं वो ऑलरेडी टच कर रहा है लोगों को, पर लीगल कॉन्टेक्स्ट में टच करने के लिए नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ना, कि आप लॉ को किस तरह मोल्ड करोगे. वो मोल्ड करने के लिए अपने आर्गूमेंट्स को फाइन ट्यून करने के लिए रीडिंग दिस जजमेंट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने इन जजमेंट को ध्यान से पढ़ा है आपको मज़ा आएगा. इन द सेंस व्हेन यू रीड ऑल दिस, व्हेन आई रेड किशनानंद भारती, व्हेन आई रेड आईसी गोलकनाथ, व्हेन आई रेड मिनर्वा मिल्स एंड व्हेन आई रेड ऑल द रीसेंट केसेस व्हिच आर वेरी लार्ज इन नंबर, मुझे मज़ा आई. क्यों मज़ा आई, बिकॉज यू आर एबल टू सी कि 1970s में क्या आर्गूमेंट का वो था वैल्यू और 2012-2014 में क्या आर्गूमेंट्स है, क्या वैल्यू है, राइट. बिकॉज इन आर्गूमेंट्स में कहीं ना कहीं देयर आर सो आर्गूमेंट्स आर सो पेनिट्रेटिव इन इट एंड यू रियलाइज, आपको रियलाइज होगा कि 2020-10 में जो आर्गूमेंट्स आ रहे हैं सीनियर एडवोकेट्स के, वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन है जो 1970s में आ रहे थे. मतलब वो कहीं ना कहीं अपने सीनियर से जो उससे पर सीनियर्स रहे होंगे उससे आज भी सीख रहे हैं. बिकॉज अगर आप जी नानी पालकी वाला जी जो बहुत सीनियर एडवोकेट थे और बहुत फेमस थे, मतलब उनके आर्गूमेंट्स का वैल्यू बहुत ऊपर है. ही इज़ द पर्सन दैट वन ऑफ द रीजन दैट वी हैव द आईडियो बेस्ड स्ट्रक्चर. तो उनके आर्गूमेंट्स का जो पैटर्न था वो आज के कुछ एडवोकेट्स में दिखता है. तो मतलब कहीं ना कहीं वो आज भी उससे सीख रहे हैं, है ना. सो हाउ डू यू क्रिएट दिस फाइन ट्यूनिंग ऑफ arguments, this only comes by reading legal texts and also if you have time, agar aapke paas samay milta hai to bahut sare aise legal novels hain jinko aap pad sakte ho. John Grisham is one of the good writer, I think the Rainmaker inki novel hai, bahut achhi hai aur aaj bhi I think bahut senior advocate refer karte hain ki aapko inko padhna chahiye, kyunki John Grisham jab likhte hain uti bariki se likhte hain legal writing ke bare mein, matlab novel hota hai par aapko lagega aap legal text pad lo thoda bahut, तो उससे आपका ब्रेन डेवलप हो रहा है, पेनिट्रेटिव लेवल बढ़ जाता है. तो इन जजमेंट को रीड करना इज अ वेरी नेसेसरी थिंग टू लर्न अबाउट टू हाउ टू फाइन ट्यून योर ओन आर्गूमेंट्स, कि अगर मैं किसी ऐसे एडवोकेट के सामने खड़ा होता हूँ मैं कैसे बैटल करूँगा इनको, बाय रीडिंग अबाउट इट, बाय रीडिंग इज आर्गूमेंट्स. एंड जजमेंट रीडिंग आई थिंक फाइन ट्यून्स योर आर्गूमेंटेटिव स्किल्स अ लॉट, बहुत ज़्यादा.
यस सर यू हाईलाइटेड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस प्रोफेशन बट अगर हम टेम्प्रेरी रिक्वायरमेंट बात करें मैनी फ्रेश स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट सो व्हाट इज द टिप्स फॉर आंसर राइटिंग एज सम मेथड हैज बीन फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ दैट इज IREC सर यूजुअली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर ऑफ दिस सर इस चीज पे आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे राइट जजमेंट राइटिंग जजमेंट आंसर राइटिंग के कॉन्सेप्ट पे जो मैं एक्चुअली एम्फेसाइज करता हूँ अपने बच्चों पे मैं कोशिश करता हूँ कि अगर इफ़ आई हैव टाइम जो कि मैं उनका इनका उनके टेस्ट लेता रहता हूँ बीच बीच पे मैं एक जजमेंट को बहुत डीपर सोचने से पढ़ाना चाहता हूँ मैं सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि मेजोरिटी ने क्या बोला रेशियो में मेजोरिटी में किस जज ने क्या बोला मैं ये जानना चाहता हूँ कि डिसेंटी ने क्या बोला तो अगर मेरा क्वेश्चन आपके रिगार्डिंग ये है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आइडिया ऑफ किशन नंदा भारती जजमेंट एंड डू यू अग्री विद द ओपिनियन ऑफ जस्टिस सीकरी और नॉट है ना अब मैं ये कह रहा जस्टिस सीकरी का वॉज वन ऑफ द मेजोरिटी ओपिनियंस मैं नहीं कह रहा कि वो खराब है बुरा है पर मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे बच्चे ने कैसे रियलाइज किया क्या उसको उसको उनका ओपिनियन अच्छा लगा कि नहीं लगा अब इस कॉन्टेक्स्ट में ये देखना ज़रूरी है जब 1970s में ये जजमेंट आता है इसका इम्पैक्ट समाज पे कैसा पड़ेगा तो उस लेवल पे जब हम रीड क्लास में करा पाएँ ये बड़ा क्वेश्चन है अगर मैं क्लास में पढ़ा पाता हूँ किशन नंदा भारती मैं और फिर क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं उनको वो जज के बारे में पढ़ा पाता हूँ उन जज का बैकग्राउंड समझा बिकॉज जजमेंट रीडिंग इज नॉट ओनली अबाउट रीडिंग अबाउट द जजमेंट्स इट्स ऑल्सो अबाउट रीडिंग द बैकग्राउंड ऑफ द जज बिकॉज अगर आपको पता है कि एक जज का कॉन्टेक्स्ट का बैकग्राउंड ऐसा रहा है तो पॉसिबली उनका जजमेंट ऐसा आएगा तो बच्चे भी रिलेट कर पाते हैं कि अच्छा दिस इज द आइडिया व्हाई द जजमेंट केम आउट ऑफ द ब्लूज तो अगर मैंने उनको ये पढ़ाया हुआ है तो मैं से ये पूछूंगा कि आप एक बार मुझे समझा दो कि जैसे सीकरी ने ये ओपिनियन क्यों दिया क्या कॉन्टेक्स क्या रहा होगा मजबूरी क्या रही होगी देने की है ना तो ये अब वो रिश्ते समझ चुके हैं वो केस को पढ़ चुके हैं एनालाइज कर चुके हैं तो वो बेटर पोजीशन पे है ये समझाने के लिए कि रेशियो ऐसा क्यों आया कारण क्या था और उसमें सोशल बैकग्राउंड क्या था तो हाँ ये तरीका है क्लासरूम टीचिंग रीडिंग टीचिंग का एक मैकेनिज्म और है जिसको हम बोलते हैं फ्लिप क्लासरूम उस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये आपका केस स्टडी है इसको पढ़ के आइए अगले दिन क्लास में हमको रिहर्सल करेंगे इसकी अब दिक्कत ये है कि अभी हमारे बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं उसका रिहर्सल कराना थोड़ा मुश्किल पड़ता है और आई थिंक रोल रिवर्सल करना बहुत ज़रूरी रहता है हाँ बिकॉज आप मूड की तैयारी करते हैं आप मूड में क्या करते हो योर मिमिकिंग कि कोर्ट ऑफ लॉ में क्या होता होगा यू मिमिक व्हाट हैपेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन अ मूड कि देयर इज अ पिटिशनर देयर इज अ रिस्पोंडेंट देयर जजेस यू आर फाइटिंग योर केस इसी प्रकार टीचिंग मेथोडोलॉजी में एक मैकेनिज्म होता है जिसको बोलते हैं फ्लिप क्लासरूम जहाँ पे हम रोल रिवर्सल करते हैं जहाँ हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी एक्ट लाइक अ जज एक्ट लाइक अ एज अ लीडिंग लॉयर एंड आर्ग्यू तो जब तक उन्होंने खुद पढ़ा नहीं होगा वो प्रेशर नहीं आएगा तो नहीं होगा मैं आई वॉन्ट टू रिपीट एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन आई विल से द सेम थिंग हम कहीं ना कहीं नॉलेज कंज्यूमर नहीं बनना चाहते हैं हमें नॉलेज क्रिएटर बनना एंड फॉर डूइंग दैट हमें थोड़ा और स्पेस चाहिए क्रिएटिविटी के लिए तो बच्चों को यहाँ पे अपना रोल समझना पड़ेगा कि वो मगअप ना करे कि यार ये पढ़ाया था ये आएगा तो लिख देता है वो लिमिटेशन है आपकी आपको अगर उसके आगे जाना है तो आपको क्रिएट करना पड़ेगा वरना आपको तो रिप्लेस कर देगा ChatGPT 3 इफ यू जस्ट वर्किंग अप राइटिंग यू आर इजली रिप्लेसेबल बाय ChatGPT और एनी अदर जनरेटिव AI फॉर दैट वेरी मैटर हाउ यू आर नॉट रिप्लेसेबल व्हेन यू क्रिएटिव सर जो IREC मेथड की करते हैं उसमें इशू होता है रीजनिंग एनालिसिस कंक्लूजन तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर इज इट कंपलसरी टू आंसर इन दैट पर्टिकुलर मेथड और अगर हमें करना उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही आंसर तो किस हेडिंग के अंदर क्या चीज़ इंक्लूडेड की जाती है लाइक किसी क्वेश्चन में मे बी फैक्ट्स गिवन हो सकते हैं तो इसमें इजीली इशू फ्रेम हो सकता है कि वेदर पर्सन इज पनिशेबल और नॉट किसी भी स्टैट्यूट के अंदर में तेरा उसके बाद सर रीजनिंग वाला पार्ट आता है कि स्टैट्यूट्स के तो उस रीजनिंग वाले पार्ट में एनालिसिस वाले पार्ट में क्या क्या कवर करना होता है अरे रीजनिंग वाले पार्ट में कोर्ट का क्या रीजन रहा था उस रीजनिंग पोर्शन में एनालिसिस पोर्शन में आपको स्पेस मिलता है कि आपको क्या लगता है उसका और इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है जब हम केस कमेंट्री लिखते हैं ये हमारे एक प्रोजेक्ट का पार्ट रहता है हम वहाँ पे केस कमेंट्री में बच्चों को स्पेस देते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस एनालिसिस पोर्शन में क्या होना चाहिए था ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन जो एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे क्लासेस में ऐसे बच्चे हैं जो मेजोरिटी ओपिनियंस पे जजेस से अग्री नहीं करते
अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि तुमने अग्री तुम अग्री नहीं कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह रहा है, जजेस कह रहे हैं, हाउ कैन यू नॉट अग्री, एंड इफ यू डोंट अग्री यू वोंट गेट द मार्क्स. तो कहीं ना कहीं ये फ्रेमवर्क हमें लगता है कि मैं बांध रहा है, पर एनालिसिस पोर्शन, कंक्लूजन पोर्शन हमारे लिए स्पेस क्रिएट कर रहा है कि आपको क्या लगता है उसमें क्या होना चाहिए था, क्या रीजनिंग होती है, क्या कॉन्टेक्स्ट में हम क्या डिबेट कर सकते थे या नहीं कर सकते थे. तो आई थिंक दैट इज द स्पेस फॉर देम टू बी देयर. हाँ, एक लिमिटेशन आप ये मान सकते हो कि कहीं ना कहीं अभी भी लॉ स्कूल उस स्टेटस ऑफ माइंड पर पहुँचे नहीं जहाँ हम कंप्लीट फ्रीडम दे सकें, बिकॉज रूल ऑफ लॉ की खासियत है रूल ऑफ लॉ स्टेबल होना चाहिए ना, इसलिए हम खुली आज़ादी नहीं दे पा रहे, आपको छोटे छोटे स्पीसीज दे रहे हैं आज़ादी के, क्या यहाँ कोशिश कर लो, यहाँ पे से अपना अपना अपनी इंजीनियरिटी ले आओ. सर, दिस वॉज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, अगेन अ बेसिक क्वेश्चन आई एम आस्किंग, एज मैनी फ्रेंसी स्टूडेंट्स आर वॉचिंग, आई एम अगेन सेइंग दैट. सर, इज देयर एनी टिप्स एंड टेक्निक्स फॉर नोट टेकिंग प्रोसेस इन द क्लासरूम? सर, कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं कि लॉ सब्जेक्ट से नोट्स कैसे बचाए जाए क्लास में? मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने नोट्स बनाए थे बच्चों को पढ़ाने के, वो नोट्स अगले सेमेस्टर गायब हो गए. फिर जब मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर पढ़ाना शुरू किया, मैंने नोट्स बनाए, वो नोट्स भी गायब हो गए. व्हाट आई वांट टू सी इज दैट आई नेवर मेड नोट्स. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट मेक नोट्स, नोट्स आर वेरी हेल्पफुल इन द कमिंग सेमेस्टर एंड ऑल, दैट्स अ थिंग टू बी. बट व्हाट आई रियली फील इज दैट मैं जैसे एक जटन पढ़, मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने जब ये केस पढ़ाया था आपका, द केस ऑफ केस पर टू स्वामी टू आधार जजमेंट, हाँ, जब मैंने वो पढ़ाया था तो मेरे इसके पास नोट्स बने हुए थे, पढ़ाया ख़त्म कर दिया, वेरी गुड. अब मैं नेक्स्ट सेमेस्टर शोर हूँ, मेरे पास नोट्स रखे, मुझे कुछ करना नहीं है, सेम पैराग्राफ सेम टीचिंग, ओके, नोट्स खो गए. अब नोट्स खो गए तो नेक्स्ट सेमेस्टर फिर पढ़ाना है, सो मुझे फिर पढ़ना पड़ा. अब की जब पढ़ा कुछ नया मिल गया. What I'm trying to hint towards is that we feel notes are liberating, and they are liberating because again reference book idea, up to date knowledge. अब नया क्या ऐड होना है मुझे उसके लिए देखना पड़ेगा ना एक बार. तो कहीं ना कहीं notes are liberating in the sense, और notes का कोई particular format मैं खुद नहीं जान पाया. मैं notes नहीं बनाए, आई यूज़ टू मेक drawings कि अगर ये argument आ रहा है तो उसमें क्या रिलेशनशिप हो सकता है दूसरे argument के साथ. Yes sir, drawing will be very helpful. It is helpful because I think जो grasping power बढ़ जाती है जब आप drawing बना के करते हो. अगर ये argument आजा, अगर मुझे जोड़ना है कि right to life या फिर right to food का क्या relationship है, तो मैंने जोड़ दिया. अब informational privacy का right to life से क्या relationship है, मैंने circle बनाया, जोड़ दिया. तो that can be one mechanism. But again, ये will differ from student to student. Yes sir, अपना तरीका होता है. हाँ, कुछ बच्चे bullet points बनाते हैं, कुछ बच्चे एग्जाम में चिट बनाते हैं, बट ये तरीके होते हैं अलग अलग. यस सर, ड्यूरिंग द बिगनिंग ऑफ दिस पॉडकास्ट यू हैव हाइलाइटेड द पॉइंट ऑफ कंसिस्टेंसी स्टडीज एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द स्टडीज. तो सर, हर कोई चाहता तो है मैं डेली पढ़ूं पर हो नहीं पाता ये. तो सर, हाउ वी कैन इंक्रीज द कंसिस्टेंसी इन आवर स्टडीज? अच्छा, मैं इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि स्टडीज करनी क्यों है? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो स्टडीज कर क्यों रहे हो, जो कर रहा है हर दिन सब कुछ वो क्यों कर रहा है? इन द सेंस कुछ पैशन होगा. आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड ऑल हैव द सेम काइंड ऑफ पैशन अ पर्सन हैज. दे आर स्टूडेंट्स हु स्टडी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर एंड दे आर डन विद इट. पॉसिबली उनका पैशन लॉ नहीं है, पॉसिबली. और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये करने में अच्छा लगता है ना. मैं ये आइडिया है कि गोल्ड फिश को कंपेयर करते हैं घोड़े के साथ, वो बोलते हैं यार घोड़ा तो सही दौड़ रहा था, गोल्ड फिश क्या हो गया? ये वैसा कॉन्सेप्ट है. अच्छा, मैं आई एम वन ऑफ द वेरी फ्रीक्वेंट लाइब्रेरी गोअर्स, तो लोगों को लगता है ये पढ़ता बहुत होगा. अच्छा, क्या मैं सही पढ़ रहा हूँ बैठ के, क्या मैं सोच रहा हूँ? मेरे कहने का आशय ये है कि शायद मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने में बहुत मज़ा आ रही है. आइडिया इज आई एम नॉट रीडिंग द कन्वेंशनल लॉ, आई एम वर्किंग अपॉन AI, आई एम वर्किंग अपॉन AI एंड लॉ, आई एम वर्किंग अपॉन DRL. तो मैं जब भी कुछ, तो ये मेरा पैशन है. सो दिस आइडिया कि मैं हर दिन पढ़ नहीं पा रहा, इस अ क्वेश्चन, आप पढ़ किस ले रहे हो? अगर आप सिर्फ एग्जाम पे पढ़ रहे हो तो माई फ्रेंड यू कैन स्टडी एट द टाइम ऑफ एग्जाम्स, आप कर लोगे. जो हर दिन जाके पढ़ रहा है उससे पर पूछो, पढ़ क्यों रहा है फिर? क्या वो अभी से नोट्स बना रहा है, अभी से उसकी तैयारी कर रहा है? अगर वो कर रहा है तो दैट इज हिज पैशन, दैट मीन्स ही इज रिड्यूसिंग हिमसेल्फ टू द एग्जाम्स एंड मिड सेमेस्टर्स. देयर मस्ट बी सम स्टूडेंट्स जो शायद मूट की तैयारी कर रहे होंगे इसलिए पढ़ रहे हैं,
कुछ बच्चे डिबेटिंग तरीके से इसलिए पढ़ रहे हैं, तो पहले क्वेश्चन ये पूछो आदमी जा क्यों रहा है, क्या पढ़ने जा रहा है ना। ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा तो समझ आएगा कि पढ़ क्यों रहा था, है ना। तो जब तक आपके पास वो ऑब्जेक्टिव नहीं है कोई नहीं ऐसा पढ़। अगर मैं बता दूं कल मेरा पब्लिकेशन हो गया है पेपर का, मैं कब तक पढ़ने नहीं आऊँगा, मतलब समझ ना मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहा होगा, गेट अ पब्लिकेशन। व्हेन देयर ऑब्जेक्टिव इज कंप्लीट, व्हाई शुड आई गो स्टडी, दैट मींस वी आर स्टडीइंग फॉर एन ऑब्जेक्टिव ऑल टुगेदर। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ना? अगर और मैं फिर कह रहा हूँ हर सबका ऑब्जेक्टिव एक जैसा नहीं हो सकता। नॉट एवरी वन वॉन्ट्स टू बी द बिगेस्ट लॉयर इन इंडिया, दैट्स फॉर श्योर। समवन वॉन्ट्स टू जस्ट प्रैक्टिस इन द होम टाउन, समवन वॉन्ट्स टू बिकम अ जज, समवन वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ लीगल फॉर्म, राइट। तो सबका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट, तो है सबकी पढ़ाई भी डिफरेंट होगी। हम टिपिकलाइज क्यों कर दें कि यार ये तरीका सही है पढ़ने का, एंड देयर आर सो मेनी पीपल। लाइक मेरा एक फ्रेंड था जो लाइक बिल्कुल नहीं पढ़ता था, पर उसका आर्गुमेंटेटिव स्किल सुन लो तो लगता था कि यार ये तो कहाँ से पढ़ के आए होंगे, है ना। तो मैं भी कहता हूँ पढ़ना को टिपिकलाइज ना किया जाए कि हर आदमी को इतना ही पढ़ना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों जाके बैठ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, उससे पूछो एक बार। दैट शुड बी द गोल। लेट्स नॉट नॉर्मलाइज द आइडिया ऑफ स्टडिंग 6 hours and 10 hours एवरी डे। दैट डजंट मीन दैट यू आर अ वेरी वेरी गुड लॉयर ऑल टुगेदर। यू माइट बी अ गुड मगअप, बट इफ यू क्रिएटिव यू माइट पॉसिबली क्रिएट न्यू आर्गूमेंट्स, जो शायद 10 घंटे वाला पढ़ने वाला भी नहीं आ रहा हुआ है। तो लेट्स नॉट टिपलाइज कि हाँ इतना घंटे तो पढ़ना ही चाहिए। सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ अ स्टूडेंट कैन बैलेंस बिटवीन को करिकुलर एक्टिविटीज एंड हिज हर एकेडमिक्स। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एप्लीकेबल अपॉन आवर स्टूडेंट्स आल्सो। ये देखो ये वही बात है ना कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ पे। और फिर ये क्वेश्चन ये है, शायद एक बच्चा ऐसा होगा जिसको स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत पसंद है, इसलिए वो स्पोर्ट्स कमेटी का पार्ट है, और ये कोई ख़राब बात नहीं है, ठीक है। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट अलॉट, आई प्ले क्रिकेट, आई स्टडी ऑल्सो, आई कंबाइन द बोथ एलिमेंट्स। द सेम अप्लाइज अपॉन यू ऑल्सो। फाइन बैलेंसिंग इज अ क्वेश्चन टू बी आस्क, आप फाइन बैलेंस कैसे करोगे। दे आर सर्टन कमिटीज जो रिक्वायर मोर टाइम एज कम्पेयर टू द अदर, है ना। और फिर मैं कह रहा हूँ डोंट टिपिकलाइज द आइडिया ऑफ स्टडिंग दिस मच। मैं क्या देखो एक आप जब कमिटीज में रहते हो आप एडमिनिस्ट्रेशन सीख रहे हो कि फाइन यू नो कमिटी, आप यू आर हैंडलिंग द प्रेशर, यू आर हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, यू गेटिंग बेटर, यू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग एज अ पर्सन ऑल टुगेदर बिकॉज यू आर लर्निंग न्यू स्किल्स, ओके। तो शायद कोई आदमी वैसा अच्छा होगा जो एडमिनिस्ट्रेशन से करता है, साथ में पढ़ाई में अच्छा होगा। When I was doing my masters, I had this guy, a very tall Punjabi guy, और वो हर स्पोर्ट एक्टिविटी में बहुत अच्छा था। He used to play cricket very good. Like if he hits the ball, ball stays ahead, छक्के के पार जाएगा। He used to play basketball. अगर वो फील्ड में आ गया तो सबसे ज़्यादा जो बास्केट वो वही करेगा। फुटबॉल भी खेलता था, रनिंग में भी अच्छा था, एंड ही वॉज अ टॉपर इन द इन द क्लासेस ऑल्सो। वैसे तो क्या है यार ये कैसे हो रहा है, बट ये बताता है आपके बारे में ना कि टिपलाइज नहीं करना कि यार एजुकेशन का मतलब आदमी जो लाइब्रेरी में देखे वही पढ़ रहा होगा, है ना। दे स्मार्ट एजुकेशन ऑल्सो, कि आप सही पढ़ जितना पढ़ो बारीक पढ़ो अच्छा पढ़ के जा रहे हो। और कहीं ना कहीं मैं आज भी सोचता हूँ जब आई एच का कॉपी, इट्स नॉट ओनली द नॉलेज विच यू पुट देयर, इट्स ऑल्सो द आर्गूमेंट विच यू पुट देयर। शायद स्मार्ट एजुकेशन इज बेटर देन द आइडिया ऑफ मगअप एजुकेशन विच वी हैव, राइट सर। बट ये ऐसे एक्सेप्शनल केस ही हो कि जो एकेडमिक्स और को करिकुलर को बहुत ज़्यादा एज कर रहे हैं दोनों स्ट्रीम। नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो एक्सेप्शनल नहीं होगा ना ये दोनों बहुत अच्छा। वी वॉन्ट टू क्रिएट दैट कल्चर ना, हम नहीं है तो हम बनेंगे। यस एक्चुअली कोशिश करते रहेंगे, है ना। सर माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ स्टूडेंट कैन डील विद स्ट्रेस एंड एंजाइटी। तो एंजाइटी ऑफ द एग्जाम्स एंड द मिड टर्म्स। यस सर, प्रोजेक्ट काफी प्रेशर होता है सर स्टूडेंट्स में। अच्छा अच्छा, पीयर प्रेशर। नॉट पीयर प्रेशर एग्जैक्टली, बट स्टडीज को लेके आईआईटी क्राइसिस। कम ऑन, बिकॉज ये आई थिंक ये वो इशू है जो एड्रेस नहीं करते। हमें लगता है कि यार प्रेशर, एग्जाम का प्रेशर होगा, मिड टर्म का एग्जाम प्रेशर होगा, एंड टर्म का प्रेशर होगा, प्रोजेक्ट का प्रेशर पता नहीं क्यों होगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अच्छा होता है और अदर प्रेशर, पर मुझे लगता है ये वैसे प्रेशर है जो कि बहुत कॉमन है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस कॉमन प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं किसी के,
टपरी पे चले जाएंगे, चाय पी लेंगे साथ में, हाँ दोस्तों शेयर कर लेंगे, तो ऑन एन एवरेज सब साथ में जा रहे हैं, सब साथ में कर रहे हैं, तो एक प्रेशर डाइल्यूट हो रहा है, हो रहा है ना, मतलब अब दोस्तों से मिलते हो, बात करते हो, यार ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, हाँ ऑन एन एवरेज क्या है, डाइल्यूट हो रहा है प्रेशर। मुझे लगता है इसके आगे एक और प्रेशर है जो हम शायद जिसको एड्रेस नहीं करते, वो है आइडेंटिटी प्रेशर। यस सर, आइडेंटिटी प्रेशर, देन यू हैव द फीलिंग ऑफ लेफ्ट आउट। यस सर, श्योर। ये जिस एज में आप लोग एंटर करते हो कॉलेज, ये बहुत टेंटेटिव एज होती है, ये बहुत सेंसिटिव टेंटेटिव एज है, इन द सेंस यू आर ग्रोइंग अप, यू आर नॉट ग्रोइंग अप एज अ लॉयर ऑल टुगेदर, यू आर ग्रोइंग एज अ ह्यूमन बीइंग। और आप देखते हो कि आपके आपके वर्ग में, आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छी का से आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही रूरल एरिया से आ रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मिडिल क्लास से आ रहे हैं, और मिडिल क्लास में बच्चे आपस में मिल जाते हैं, क्या चलो तुम वहाँ से मैं भी वहाँ से, बस खुशी। पर आप कभी सोचो ना कि जो मार्जिनल कम्युनिटी से आदमी आता है, जो स्कॉलरशिप पे होगा, उसके लिए कितना मुश्किल पड़ता होगा। हम प्रेशर की बात तो कर रहे हैं, पर आप प्रेशर किस प्रेशर की बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशंस एंड मिड टर्म्स प्रोजेक्ट्स, राइट, वाइवास, ओके गुड, बट दिस इज अ प्रेशर विच इज कॉमन टू ऑल ऑफ यू। ये तो एक लेयर ऑफ प्रेशर हो गया, व्हाट अबाउट द सेकंड लेयर ऑफ प्रेशर विच इज फेल्ट बाय द पीपल हु आर नॉट बिलोंगिंग द सेम काइंड ऑफ प्लेस। वो एक आइडेंटिटी क्राइसिस क्रिएट करता है, और बिकॉज इस एज में क्या होता है कि हम टिपिकलाइज करते हैं, अरे ये लड़का तो बहुत कूल है, ये लड़का तो डेयरिंग है, ये लड़का तो पढ़ाकू है, हम कैटेगरी में डाल देते हैं। जब पहली बार कोई नया बच्चा आता है जो शायद दोनों एरिया से आ रहा हो, वो सोचता रहता है मैं किस कैटेगरी में आता हूँ, मैं पढ़ाकू हूँ, मैं स्पोर्ट्स पे हूँ, या मैं कूल हूँ। जब पढ़ाई करता है रिजल्ट नहीं आता तो बोलता है मैं तो पढ़ाकू नहीं, पर लोग बोलते हैं पढ़ाकू बिकॉज आई बी स्टडिंग सो मच। अब वहाँ शुरू होता है आइडेंटिटी क्राइसिस कि हु एम आई द पढ़ाकू वन, और एम आई द वन हु। अब इससे दिक्कत क्या आती है, दिक्कत आती है जब तुम पढ़ाकू वाले नहीं निकलते हो, तो सबसे आसान वाला चीज़ क्या है, मैं तो शैतान वाला हूँ। ये जैसे इजी से होगा, बिकॉज व्हेन यू आर नॉट रिकग्नाइज एज अ पर्सन हु इज द वर्ल्ड मोस्ट स्टूडियस, और तुम लेते हो मैं पढ़ने वाला हूँ, लोग बोल रहे तुम पढ़ने वाले हो, और तुम एग्जाम देने जाते हो, रिजल्ट नहीं आता, तो आते में बोलता अरे मुझे तो दिखाने का दांत था, ये तो कुछ और ही निकला, है ना, तो फिर क्या होगा। सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है, आई वुड डू एनीथिंग, आई विल बिकम द लॉटी वन, दैट्स द इजीएस्ट वे आउट। हम इस प्रेशर को एड्रेस क्यों नहीं करते, हम ये क्यों नहीं देखते कि क्लास में, इस वर्ग में, एक वर्ग के अंदर एक वर्गीकरण और है, जहाँ पे बहुत वर्ग से लोग आ रहे हैं, जिनके कारण एक नया काइंड ऑफ प्रेशर क्रिएट हो रहा है, और ये इंसिडेंसेस आर कॉमन इन लॉट ऑफ नेशनल यूनिवर्सिटीज, है ना। तो हम जब इन क्वेश्चंस को एड्रेस करते हैं, हमें एग्जाम्स का प्रेशर तो हमें समझ में आता है, क्योंकि और मुझे लगता है एग्जाम का कोई प्रेशर नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ। इंडिया एज ए एजुकेशन सिस्टम हमें एग्जाम्स की ही तैयारी कराना सिखाता है, हम बचपन से इसी चीज़ को देखते आ रहे हैं, और आप तो नहीं सीख पाए तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, हमें फर्स्ट में सिखाया गया, सेकंड में सिखाया गया, थर्ड में सिखाया गया, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवन, ट्वेल्थ, नौ सेमेस्टर। क्या बोलते थे, हमेशा यही बोलते थे ना कि एग्जाम्स हैं, एग्जाम दे लो फिर छुट्टी मजे करना, ये तो करते आ रहे ना। तो अब तक तो नॉर्मलाइज होना चाहिए, वी शुड बी वेरी नॉर्मल विद एग्जाम्स, हाँ एग्जाम तो कॉमन चीज़ है। ये तो एक लेयर का टेंशन है जो चला जाएगा, जाके चाय पे भूल जाओगे। मैं इस रियल इशू को एड्रेस करना चाहता हूँ, आइडेंटिटी क्राइसिस। यस सर, सर दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न विच नीड टू बी एड्रेस्ड। यस सर, श्योर सर। एंडिंग नोट पे आपकी कोई सजेशंस हैं? मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स आर फैसी स्टूडेंट्स। अच्छा अच्छा, ये आपकी कोई टिप्स ऑन राइट, अब जो हमने स्कोप देखा था 1990s में इंजीनियरिंग के फील्ड में, अब वो शिफ्ट हो रहा है, अब दिस स्कोप इज कमिंग इन द लीगल डिसिप्लिन। एंड इफ यू रियली थिंक कि यू हैव अ गुड आर्गुमेंटेटिव स्किल्स, आई डोंट मीन कि तुम अपने पेरेंट्स से आर्गू कर पा रहे हो, आई मीन तुम एक अच्छे डिबेटर हो, ओरेटर हो, तो तुम्हें इस फील्ड में आना चाहिए। एंड आई टेल यू वाई, कि इन कमिंग टाइम्स लीगल फील्ड में जितने जॉब अपॉर्चुनिटी होंगे वो किसी और डिसिप्लिन में नहीं आने वाले, बिकॉज कंप्लायंस हर जगह चाहिए होगा, और लीगल और लॉ हर जगह बन रहा है, डेटा प्रोटेक्शन से लेके आपके फॉर रेलवेज, एवरी वेयर इज अ लॉ, एंड फॉर एवरी लॉ वी रिक्वायर कंप्लायंस, और हर कंप्लायंस के ब्रीच पे एक लॉयर पैदा हो जाएगा। तो इस फील्ड में आइए, इस फील्ड इज वेरी नोबल। अगर आप डोंट इमेजिन हार्वी स्पेक्टर वाइल यू कम इनटू दिस फील्ड, नॉट एवरीथिंग इज वेरी हार्वी स्पेक्टराइज्ड ऑल टुगेदर, बट व्हेन यू कम टू दिस फील्ड आपको रियलाइज होगा कि आप एक चेंज कर पा रहे हो, एंड दिस इज द रियलिटी। समाज में एक टीचर होगा जो आपको नॉलेज दे रहा है, पर वो समाज में बदलाव सिर्फ 120-180 बच्चों के पास ला रहा है कि तुम्हारे पास ये ज्ञान, तुम्हारे पास ये अधिकार, इसका इस्तेमाल करो। एक लॉयर के पास कैपेसिटी है कि वो पूरे देश को बदल सकता है, ये कैपेसिटी किसी के पास नहीं है।
एसपी गुप्ता का जब मामला आया था 1981 के अंदर, एसपी गुप्ता वो सीनियर एडवोकेट इन द इलाहाबाद हाई कोर्ट बेंच, ही फाइल्ड रिट पिटीशन अगेंस्ट द ट्रांसफरिंग ऑफ जजेस एट दैट टाइम. नारी पालकी वाला सीनियर एडवोकेट, इफ आई हैव टू गिव क्रेडिट टू एनीवन फॉर ब्रिंगिंग अ बेसिक स्ट्रक्चर, आई विल गिव इट टू हिम. A senior advocate has the capacity to change the dimensions of the in of a country. तो अगर तुम उस विजन से आओगे तो तुम लाइफ में बहुत अच्छा करोगे. अपने आप को बिलिटल मत करो, तुम बड़े चीज कर सकते हो. Thank you so much for coming on the podcast. Hopefully this podcast will add value to the viewers. Thank you so much. नहीं, thank you so much. Thank you so much for calling me and I'll subscribe to your channel very soon. Thank you. Thank you so much. Thank you.